और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज 1938 में महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। शरद चंद्र की रचनाएं सामाजिक प्रथाओं, अलग अलग जीवन शैलियों और ब्रिटिश भारत में लोगों के संघर्ष को सामने रखती थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने लोकप्रिय उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। परिणीता, चरित्रहीन, देवदास और श्रीकांत शरद चंद्र द्वारा लिखी गई कुछ यादगार रचनाएं। माना जाता है कि उनके लिखे उपन्यासों और छोटी कहानियों पर अलग अलग भारतीय भाषाओं में करीब 50 फिल्में बनी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शरद चंद्र के उपन्यास देवदास को 16 अलग अलग वर्जन्स में फिल्मी पर्दे पर उतारा गया है। 1991 में आज ही के दिन गल्फ वॉर यानी खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज अमेरिका के नेतृत्व वाले कोलिशन फोर्सेज ने बगदाद पर हवाई हमले की शुरुआत की थी। इराक पर यह हवाई हमले लगातार 42 दिनों तक चले थे और इसे इतिहास के सबसे बड़े हवाई हमलों में गिना जाता है। इस युद्ध की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। इराक के विरोध में 39 देश इस युद्ध में शामिल हुए थे। अमेरिका के नेतृत्व वाली कोलिशन फोर्सेज ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। 1909 में आज दुनिया के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की खोज की गई थी। इसकी खोज अर्नेस्ट शेकल्टन नामक एक खोजी यात्री ने की थी। और अपने सुरीले संगीत से कई हिंदी फिल्मों को सजाने वाले मशहूर संगीतकार ओपी नैयर का 1926 में आज जन्म हुआ था। 1949 में फिल्म कनीज के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। ओपी नैयर ने गीता दत्त, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के साथ काम करते हुए कई हिंदी फिल्मों के गीतों को यादगार बना दिया। इन फिल्मों में नया दौर, कश्मीर की कली और हावड़ा ब्रिज शामिल है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देश के वैज्ञानिकों का सम्मान कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों की प्रतिभा के बगैर भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। नमस्कार।